नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं पोस्टमार्टम। क्रिमिनल प्रैक्टिस में पोस्टमार्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो भी आपराधिक प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी जूनियर एडवोकेट्स हैं मेरे जो क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं, उस समय जब डॉक्टर को क्रॉस एग्जामिन करते हैं, तो अगर डेथ केस है, मतलब 302 का केस है या कि कोई और डेथ केस है, तो उस डेथ केस में डॉक्टर को जब हम क्रॉस एग्जामिन करते हैं, जिसने पोस्टमार्टम किया था, मतलब जिसने शव परीक्षण किया था, उसके लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम लोग क्रॉस एग्जामिन करते हैं, तो ये पोस्टमार्टम के बारे में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में हमको अध्ययन करना होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज पोस्टमार्टम। तो आज का टॉपिक है शव परीक्षण। इस पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी भी कहा जाता है, ऑटोप्सी रिपोर्ट भी शव परीक्षण ही होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज पोस्टमार्टम। हम लोगों ने शब्द सुना हुआ है पोस्टमार्टम, इसको ऑटोप्सी भी कहा जाता है और इसे हिंदी में कहा जाता है शव परीक्षण। नाम से स्पष्ट हो रहा है, शव का मतलब हो गया डेड बॉडी, और डेड बॉडी का एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी। तो पोस्टमार्टम एक लेटिन भाषा का शब्द है, इट इज ऑफ लेटिन टर्म, एक लेटिन टर्म है जिसको हम इंग्लिश में यदि ट्रांसलेट करें तो पोस्टमार्टम का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, मतलब मृत शरीर का मेडिकल एग्जामिनेशन, मृत शरीर का चिकित्सीय परीक्षण। अब इस मृत शरीर का चिकित्सीय परीक्षण क्यों किया जाता है, इसके कारण समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी को पता है डेथ इज इनएविटेबल, प्रत्येक व्यक्ति की डेथ यानी मृत्यु होना इनएविटेबल है, अवश्यंभावी है। नोबडी इज इमोर्टल, हर व्यक्ति नश्वर है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी। तो डेथ जो होती है ये एक शाश्वत सत्य है, इट इज परपेचुअल ट्रुथ। और कई बार डेथ अननेचुरल होती है, एक होती है नेचुरल डेथ, डेथ दो प्रकार की होती है, नेचुरल यानी प्राकृतिक मृत्यु, और एक होती है अप्राकृतिक मृत्यु। यदि हम प्राकृतिक मृत्यु की बात करें तो प्राकृतिक मृत्यु वो होती है जो एक आयु पूरी होने के बाद हो जाती है। आयु पूरी होने का मतलब होता है जैसे बाल्यावस्था, आपको पता है जीवन की चार अवस्थाएं होती है, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था और फिर वृद्धावस्था। तो जिस व्यक्ति ने समस्त स्टेजेस यानी जो अपनी लाइफ की जो चारों स्टेज थी वो पार कर ली, और वृद्धावस्था यानी वृद्ध होने के उपरांत यदि उसकी डेथ होती है तो इसको नेचुरल डेथ कहा जाता है। या किसी व्यक्ति को एक प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस का मतलब होता है एक लंबी बीमारी है, उस बीमारी की वजह से, व्यक्ति की लंबी बीमारी की वजह से भी डेथ होती है, तो यह भी नेचुरल डेथ ही कहलाती है। लेकिन अननेचुरल डेथ तीन प्रकार की होती है, अननेचुरल डेथ तीन होती है, एक्सीडेंटल, सुसाइडल, होमिसाइडल। एक्सीडेंटल का मतलब हो गया दुर्घटना से मृत्यु, दुर्घटना कोई भी हो सकती है, रोड एक्सीडेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, पानी में डूबना हो सकता है, करंट लगना हो सकता है, आसमान से बिजली गिरना हो सकता है, तो दुर्घटनाएं बहुत प्रकार की होती है। उसके बाद सुसाइडल, सुसाइडल मतलब व्यक्ति ने स्वयं को मार दिया, द पर्सन कंज्यूम पॉइजन, व्यक्ति ने पॉइजन खाकर आत्महत्या कर ली, हैंगिंग यदि उसने हैंगिंग कर ली, मतलब फांसी पे लटक गया, तो ये सुसाइडल डेथ होती है, ये भी अननेचुरल डेथ है। और एक होती है होमिसाइडल, जिसको हम किलिंग ऑफ पर्सन बोलते हैं। होमिसाइडल का मतलब किसी अन्य व्यक्ति ने किसी को मार दिया, इट कैन बी मर्डर, ये मर्डर हो सकता है, इट कैन बी कल्पेबल होमिसाइड, ये सदोष मानव वध भी हो सकता है। तो इस प्रकार तीन प्रकार की अननेचुरल डेथ होती है, एक्सीडेंटल, सुसाइडल एंड होमिसाइडल। अब इन ये जो अननेचुरल डेथ होती है, यहां पोस्टमार्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अननेचुरल डेथ में पोस्टमार्टम यानी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी किया जाता है। तो अननेचुरल डेथ होगी तो पोस्टमार्टम का पर्पज होता है, एक तो मोड ऑफ द डेथ यानी व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, मोड क्या है, मेनर किस तरीके से व्यक्ति को मारा गया है, किस तरीके से व्यक्ति मरा है, और कॉज और उसका कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डेथ। क्योंकि कई बार जो क्रिमिनल होते हैं वो व्यक्ति को मार देते हैं और भाग जाते हैं, तो पता नहीं चलता है कि किस व्यक्ति ने मारा है। तो एस्टैब्लिश करना है, आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना है कि उसकी डेथ किसने की है, कैसे की है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है उससे कई खुलासे हो जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पोस्टमार्टम इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। सबसे पहले तो सर्जिकल प्रोसीजर, सर्जिकल से समझ में आ रहा है एक ऐसा डॉक्टर जिसको सर्जरी करने का राइट है, MBBS, MBBS मतलब मास्टर ऑफ बैचलर इन सर्जरी। तो ऐसा डॉक्टर जिसको सर्जरी का राइट है यानी एक सर्जरी, सर्जिकल प्रोसीजर होती है, यानी डॉक्टर क्या करेगा, शव का चीरफाड़ करेगा। चीरफाड़ का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, यानी उसका अनवेल करेगा, बॉडी को अनवेल करेगा, पता लगाएगा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द डेथ, दैट डेथ का कारण क्या है। तो एक सर्जिकल प्रोसीजर होती है पोस्टमार्टम, जिसमें कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब यहां पर कॉर्पस एक लेटिन भाषा का शब्द है, इसको बॉडी बोला जाता है, डेड बॉडी यानी बॉडी का कॉर्पस, यानी वो एक शव का परीक्षण करेगा, वो चिकित्सीय परीक्षण करेगा, इट विल बी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, ताकि हमको पता चल सके कि क्राइम से यानी क्या क्राइम हुआ है, कौन क्रिमिनल है, उसकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना,
यदि बीमारी है तो बीमारी को, इसको क्लिनिकल पोस्टमार्टम भी बोलते हैं। क्लिनिकल पोस्टमार्टम बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए भी किया जाता है। जैसे अभी कोरोना का काल चल रहा है, तो कोरोना में अभी ब्लैक फंगस करके एक नई बीमारी आई है, तो उसको पता लगाना है कि इसकी डिजीज कैसे हुई। तो डिजीज यानी क्लिनिकल भी हो सकता है और इंजुरी भी। इंजुरी मतलब उसको क्षति कैसे पहुंची और किस क्षति से व्यक्ति के किस ऑर्गन पर क्षति पहुंची तो व्यक्ति की डेथ हुई है। तो इंजुरी मतलब व्यक्ति को क्षति पहुंचना। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से भी होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज यानी क्राइम, क्रिमिनल का पता लगाना, क्राइम का पता लगाना। और ये रिसर्च और एजुकेशन पर्पज से भी होता है, यानी पोस्टमार्टम रिसर्च पर्पज से भी किया जाता है और एजुकेशनल पर्पज से भी होता है। अब ये इट इज डन बाय द स्पेशलाइज्ड मेडिकल ऑफिसर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पोस्टमार्टम एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल ऑफिसर करता है, कोई छोटा मोटा सामान्य डॉक्टर नहीं कर सकता है। एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास ये जिम्मेदारी होती है कि वो पोस्टमार्टम करे, क्योंकि उसको बहुत सारे रूल्स का पालन करना पड़ता है। शव परीक्षण के बहुत सारे रूल्स रहते हैं जो मैं आपको अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये मेडिकल परीक्षण भी हो सकता है और लीगल भी होता है, यानी चिकित्सीय भी होता है और कानूनी भी होता है। अब इसके उद्देश्य पे हम चलते हैं कि पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है। व्हाट आर द पर्पस ऑफ द पोस्टमार्टम, व्हाई पोस्टमार्टम इज डन, व्हाई मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी इज कमिटेड। तो दीज आर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर विच मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी कंडक्टेड। सबसे पहला होता है कॉज ऑफ डेथ, यानी व्यक्ति की डेथ कैसे हुई, यानी व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। तो व्यक्ति की मृत्यु यदि अननेचुरल है, नेचुरल है कि अननेचुरल है, वो किससे पता चलता है कि प्राकृतिक मृत्यु है कि अप्राकृतिक मृत्यु है, ये पोस्टमार्टम से पता चलता है। यदि अप्राकृतिक मृत्यु होगी तो उसके शरीर में ऐसे सिम्टम्स होंगे, ऐसे बातें होंगी जो पोस्टमार्टम के खुलासे से क्लियर होती है। दूसरा इंजुरी, दूसरा पोस्टमार्टम करने का एक और इम्पोर्टेंट रीजन होता है इंजुरी, यानी इंजुरी कैसे पहुंची, कब पहुंची, कहाँ पहुंची, ये सब बातें। इंजुरी जो होती है यानी जो क्षति है, शारीरिक क्षति है, जो बॉडीली हर्ट है, बॉडीली हार्म है, तो वो उसका नेचर कितना था, यानी वो सिंपल नेचर की थी, ग्रीवियस नेचर की इंजुरी थी, फिर उसका सोर्स क्या था, इंजुरी कहाँ से आई है, क्या बुलेट, किसी ने गोली मारी तो बुलेट है, या चाकू नाइफ से पहुंचाया है, उसका एक्सटेंट क्या है, कहाँ तक वो चाकू का गहराई कहाँ तक है, घाव की गहराई क्या है, वाउंड कैसा है, घाव कैसा पहुंचा है, ये सब बातें जो है, वो घाव, घाव के भी अलग अलग नाम होते हैं, ये सब इंजुरीज जो है ये पोस्टमार्टम से पता चलती है। कितनी इंजुरी है बॉडी पे, कितनी इंजुरी है, 15 घाव है 17 घाव है, ये भी वहां पर पता चलता है। इसके बाद टाइम सिंस डेथ, कई मामलों में डेथ का टाइम नहीं पता होता, जैसे डेड बॉडी रिकवर होती है बहुत टाइम बाद, कई बार डेड बॉडी रिकवर होती है कई महीनों बाद, तब तक तो पूरी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। तो डिकम्पोज होने की जो प्रक्रिया होती है, जो टाइम होता है, जैसे डिकम्पोजिशन में सबसे पहले आंखों से डिकम्पोजिशन होता है और हड्डियों पर सबसे लेट होता है, तो समय का पता चल जाता है कि मृत्यु का टाइम क्या था। तो टाइम सिंस डेथ यानी मृत्यु की का समय क्या था, उसके आवर्स कितने घंटे पहले मृत्यु हुई है, कितने दिन पहले मृत्यु हुई, कितने महीने पहले मृत्यु हुई, कितने साल पहले मृत्यु हुई, ये सब बातें पोस्टमार्टम से पता लगाई जा सकती है। एक और उद्देश्य होता है पोस्टमार्टम का, मेनर ऑफ द डेथ, यानी व्यक्ति की मृत्यु किस तरीके से पहुंचाई गई है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गला दबाकर उसकी मृत्यु की, तो यहाँ पर चोट के निशान होते हैं, रिगर मॉर्टस बोला जाता है, वो हम आगे देखेंगे। तो मेनर ऑफ डेथ मतलब मोड, यानी व्यक्ति को कैसे मारा गया है, उसका मोड क्या था, वीपन हथियार, किस हथियार से उस व्यक्ति की मृत्यु की गई है, यदि पॉइजन से तो कौन सा पॉइजन था, क्योंकि हर पॉइजन के सिम्टम अलग होते हैं। यदि एनिमल कोई डंक मारता है तो उसके सिम्टम्स अलग होते हैं, यदि कोई व्यक्ति फिनाइल या कोई पॉइजनस सब्सटेंस कंज्यूम करता है तो उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। तो पॉइजन कौन सा है, ये भी हमको पोस्टमार्टम से पता चल पाता है। आइडेंटिफिकेशन, अनेक बार व्यक्ति का चेहरा, कई बार मर्डरर जो रहता है वो मर्डर करने के बाद पूरा चेहरा खराब कर देता है, जैसे आइडेंटिफाई ना हो सके, इसका मतलब होता है जैसे तेजाब फेंक देना, या कई बार पत्थर से सिर कुचल देना, जिससे कि व्यक्ति की आइडेंटिटी ना पता चले। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी, यानी शव का परीक्षण करना, डिसीज यानी मृतक कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी जेंडर क्या है, वो मेल है कि फीमेल है, उसकी आयु क्या है, और डिसीज की पहचान स्थापित करने के लिए भी पोस्टमार्टम किया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये बॉडी इन्फेंट की है, इन्फेंट का मतलब होता है छोटे बच्चे की, शिशु का शव है, तो शिशु का जन्म, जन्म के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी कि जन्म के बाद मृत्यु हुई है। यदि जन्म के बाद मृत्यु होती है तो पता चल जाता है, क्योंकि वो जन्म लेते से ही वो सांस लेता है तो उसके फेफड़े फूले होते हैं, और यदि मृत पैदा हुआ और किसी ने डिस्पोज कर दिया है बॉडी को, तो इस स्थिति में उसके लंग्स जो होते हैं वो फैले हुए नहीं होते, सिकड़े हुए होते हैं। तो अनेक बातें होती है जिससे पता चल जाता है कि जो इन्फेंट की बॉडी है, मतलब जो शिशु का शव है, वो लाइव बर्थ लिया था उसने, जीवित जन्म लिया था कि मृतक जन्म लिया था, और उसकी डेथ का कारण क्या है, शिशु क्यों मरा है, उसकी डेथ का कारण क्या है।
तो इस प्रकार पोस्टमार्टम एक इम्पोर्टेंट साइंटिफिक मेथड होती है और साइंटिफिक मेथड एक सर्जिकल मेथड होती है जिससे पता लगाया जा सकता है कि मृत्यु कैसे हुई है, क्या मृत्यु प्राकृतिक है, क्या मृत्यु अप्राकृतिक है, मृत्यु के कारण क्या है, मृत्यु के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है और जिन घावों से अगर उसकी डेथ हुई तो वो घाव का प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, एक्सटेंट क्या है। तो इस प्रकार यदि पोस्टमार्टम को यदि हम देखें तो पोस्टमार्टम एक लेटिन भाषा का शब्द है। लेटिन भाषा में दो शब्द है, पोस्ट एंड मार्टम। तो पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, मार्टम का मतलब होता है डेथ, आफ्टर डेथ। यदि इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, शाब्दिक इसका लिटरल मीनिंग निकालें तो आफ्टर डेथ एग्जामिनेशन करना। और ये पोस्टमार्टम शब्द 1850 के बाद से इसका उपयोग होना प्रारंभ हुआ है। सो आज हम लोगों ने पोस्टमार्टम का एक जनरल इंट्रोडक्शन कवर किया है। पोस्टमार्टम की अंदर डीप की जो बातें होंगी वो मैं अगले लेक्चर्स में आपको क्लियर करूंगा। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।